अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। देश दुनिया से लाखों राम भक्त रामलला के दिव्य स्वरूप के दर्शन करने पहुंचेंगे। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने को आतुर है। यूपी के बरेली की 3 तलाक पीड़िताओं ने रामलला के लिए खास तोहफा तैयार किया है। कई दिनों से ये महिलाएं रामलला के लिए खूबसूरत वस्त्र बनाने में जुटी हैं। जरी जरदोजी के काम से बने वस्त्रों को लेकर खुद ये महिलाएं अयोध्या जाएंगी और वहां के महंत को ये पोशाक सौंपेंगी। देखिए, ये सौगात ये भगवान राम जी के लिए वस्त्र बनाए जा रहे हैं। जो अयोध्या में राम मंदिर तैयार हो रहा है, ये वस्त्र वहाँ भेजे जाएंगे तैयार करवा के। और इसमें हम वस्त्र भी तैयार कर रहे हैं, इसके साथ साथ जरी दोजी का काम, कारचोपी का काम जो महिलाएं जानती हैं, उनसे इस पे कारचोपी का काम भी करवाया जाएगा। और इन वस्त्र को हम अयोध्या लेके जाएंगे और भगवान राम को भेंट करेंगे। ये महिलाएं मेरा हक फाउंडेशन से जुड़ी हैं, जो 3 तलाक पीड़िताओं की आवाज बनकर उनको न्याय दिलाने का काम करता है। भाजपा सरकार की ओर से 3 तलाक कानून बनाने के बाद इन महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आई है। जब दुनिया रामलला के स्वागत के लिए जुट रही है, तो भला ऐसे में ये महिलाएं कैसे पीछे रहती। ये मखमली कपड़ा है, जो कि वो अच्छा लगता है कपड़ा, और इसमें नग वग सब चीज की कढ़ाई होगी, बस यही कपड़ा है। जरी दरदोजी का भी काम होगा उसमें? हाँ, दरी का और दरदोजी का भी काम होगा, इसमें नग वग भी लगाए जाते हैं कपड़े में। 3 तलाक पीड़िताओं की ओर से बनाई जा रही रामलला की इन पोशाकों के जरिए कौमी एकता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इन 3 तलाक पीड़िताओं की पहल ने धर्म की दीवार गिराने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। देश दुनिया से लाखों राम भक्त रामलला के दिव्य स्वरूप के दर्शन करने पहुंचेंगे। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने को आतुर है। यूपी के बरेली की 3 तलाक पीड़िताओं ने रामलला के लिए खास तोहफा तैयार किया है। कई दिनों से ये महिलाएं रामलला के लिए खूबसूरत वस्त्र बनाने में जुटी हैं। जरी जरदोजी के काम से बने वस्त्रों को लेकर खुद ये महिलाएं अयोध्या जाएंगी और वहां के महंत को ये पोशाक सौंपेंगी। देखिए, ये सौगात ये भगवान राम जी के लिए वस्त्र बनाए जा रहे हैं। जो अयोध्या में राम मंदिर तैयार हो रहा है, ये वस्त्र वहाँ भेजे जाएंगे तैयार करवा के। और इसमें हम वस्त्र भी तैयार कर रहे हैं, इसके साथ साथ जरी दोजी का काम, कारचोपी का काम जो महिलाएं जानती हैं, उनसे इस पे कारचोपी का काम भी करवाया जाएगा। और इन वस्त्र को हम अयोध्या लेके जाएंगे और भगवान राम को भेंट करेंगे। ये महिलाएं मेरा हक फाउंडेशन से जुड़ी हैं, जो 3 तलाक पीड़िताओं की आवाज बनकर उनको न्याय दिलाने का काम करता है। भाजपा सरकार की ओर से 3 तलाक कानून बनाने के बाद इन महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आई है। जब दुनिया रामलला के स्वागत के लिए जुट रही है, तो भला ऐसे में ये महिलाएं कैसे पीछे रहती। ये मखमली कपड़ा है, जो कि वो अच्छा लगता है कपड़ा, और इसमें नग वग सब चीज की कढ़ाई होगी, बस यही कपड़ा है। जरी दरदोजी का भी काम होगा उसमें? हाँ, दरी का और दरदोजी का भी काम होगा, इसमें नग वग भी लगाए जाते हैं कपड़े में। 3 तलाक पीड़िताओं की ओर से बनाई जा रही रामलला की इन पोशाकों के जरिए कौमी एकता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इन 3 तलाक पीड़िताओं की पहल ने धर्म की दीवार गिराने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।